कहेंगे आज आपने औरंगाबाद कोर्ट से यहाँ पे नामांकन फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो है तो लोकशाही में रहते हैं और हमारे देश का एक संविधान है जहाँ पर हर एक को इलेक्शन कंटेस्ट करने का हक है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा के लिए मैंने अपना फॉर्म भरा है यहाँ के पूर्व क्षेत्र से, तो मैं अपना संवैधानिक हक है तो इस्तेमाल कर रही हूँ। मैडम, जैसा महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की बात कही गई थी, तो यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को इतने टिकट दिए गए। तो देखिए, लोकल बॉडीज़ में तो महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के लिए महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। और अगर रिजर्वेशन नहीं भी दिया गया तो हर पॉलिटिकल पार्टी से मेरा ये कहना है कि जब आप महिलाओं के वोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अगर जहाँ 50 पुरुषों को टिकट दे रहे हैं तो 10 महिलाओं को आप क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब कि आप महिलाओं को अहम नहीं समझते, क्या महिलाएं देश का हिस्सा नहीं है? आज यहाँ पर महिलाएं आधी आबादी में मौजूद है और पुरुषों के कंधे को कंधा लगाकर आज महिलाएं काम कर रही है। तो जब महिलाएं अपना वजूद दिखा रही है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए और हर पार्टी ने महिलाओं को टिकट देना चाहिए। आप AIML के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, शहर प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ आप बगावत कर रहे हो, कैसा देखा जाता है? अभी आज की तारीख में मैंने बगावत नहीं की है, मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया है, वो बाकी क्या होगा, कल क्या होगा तो वो कल पता चलेगा। आपकी लड़त किसके साथ है? मेरी लड़त किसी के साथ नहीं है, ना मैं किसी के खिलाफ खड़ी हूँ, ना मुझे खड़ा किया गया है। मैं खुद अपना स्टैंड ले रही हूँ। मेरे अपने पूर्व मतदार संघ के महिलाएं मेरे पास आई थी और उनका ये कहना है कि जिस तरह पुरुष से बात नहीं हो सकती, महिला से हम खुल के बात कर सकते हैं, अपने मसाइल एक महिला को हम बता सकते हैं, तो एक महिला के पास हम डायरेक्ट आकर खुले दिल से बात कर सकते हैं। तो कुछ महिलाओं के ग्रुप्स मेरे पास आए थे, मेरे पास है तो पढ़े लिखे डॉक्टर्स का भी ग्रुप है, इंजीनियर्स महिलाओं का भी ग्रुप है, तो इन सब की ये राय है क्या मुझे कंटेस्ट करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पहल किया। आज आपका फॉर्म 4 तारीख तक ही रहने वाला है या आप आखिरी तक लड़ने वाले हैं? मैंने तो इस नियत से और इस हिम्मत से फॉर्म दाखिल किया है कि मेरा फॉर्म आखिरी तक रहने वाला है। आपका नाम? फिर डॉक्टर फिरदौस फातिमा रमजानी खान। मैडम, जो महाराष्ट्र सरकार है महिलाओं को 1500 रुपये महीना दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं महाराष्ट्र सरकार से ये कहना चाहूँगी क्या वो भी अनाज ही खाते हैं घरों में, जो MLAs है और जो MPs है वो भी अनाज खाते हैं और उनको अनाज का भाव मालूम होना चाहिए। आज ये जो 1500 दे रही है तो एक हमारा जेब फाड़ रही है और दूसरा जेब भर रही है। इधर से 1500 आ रहे हैं लेकिन हमारे जेब से हमको 10,000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। जो हमारा महीने का बजट है, किसी भी महिला का घर 1500 में नहीं चलता है, ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हर एक को तो तेल के भाव बढ़ चुके हैं, स्कूल बैग्स के भाव बढ़ चुके हैं, किताबों के भाव बढ़ चुके हैं, आज शिक्षण जो है तो महंगा हो चुका है और जो हायर लेवल की जो तालीम अगर हमको हासिल करना है तो बहुत खर्च करने पड़ रहे हैं। तो सरकार क्या समझती है कि 1500 में सब कुछ हो जाएगा? आज हमें स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है, आज हमें फेलोशिप्स की ज़रूरत है, आज हमारा मराठा समाज है, आज हमारा धनगर समाज है और पूरा मुस्लिम समाज है और बाकी के भी जो लोग हैं समाज के, तो ये आज आरक्षण चाहते हैं। तो सरकार ये क्यों नहीं देती हमें और अपने 1500 रुपये निकाल के हमें दे रही है? सरकार ये 1500 अपने पास ही रखे, और वैसे भी अगर ये सरकार बदल गई तो ये 1500 उनके पास ही रहने वाले।